जापा कमान भी इन मारपीट की ग्राउंड काट दी। हम की दिड़ी 7-8 दिन पहले कदे यहाँ कह तो कि तेरा लड़का ने अपहरण कराती हूँ, तेरे लड़कियां ने मान लियो ये हिसाब हो। शादी के पहले दिन दहेज मांगियो, जो के बाद में यही कहानी चल रही है। बड़े थापा मुक्की कर ली, बोले कि मेरे घर कौन बड़न दू, तो कहीं आयो। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ जल को झुंझुनू। और बड़ी खबर देखिए, झुंझुनू के काल था बता दू की घटनाक्रम हो कि झुंझुनू के स्टेडियम के अंदर एक बच्चे को ऊपर जो वो नुकीले हथियार से वार करे गए। और बताया जा रहा है कि वो बड़े को रिश्तेदारी हो के पूरा मामलो है, बच्ची उन्हें ट्रोमा के अंदर भर्ती है, उनका परिजन और मौजूद ही मैं सब बातचीत कराँगा के पूरा मामलो है। और वीडियो थाने शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना। काल स्टेडियम में एक घटना हुई ही कि एक नुकीले हथियार से वार करे गए, बच्चे का क्या लागू थे चाचो? शादी के बाद से? हाँ, शादी के बाद से। जब कमान भी इन मारपीट की ग्राउंड काट दी और अब यो तलाक को दहेज गोरबोर लगायो। और अब एक महीने कदे स्कूल में जाए, कदे कोचिंग में जाए, कदे खै छोरन में मारू उठाऊ, कदे खै बरोड जामे बोले। हाँ हाँ, कदे खै तन्ना में जानू मारू छोरी ने, बडोड़ी छोरी ने खै। दोनों जो की बच्ची है झुनू दिया करती है? हाँ, दोनों झुनू है। अगले तैयारी करें फौज वाले। हाँ, रनिंग वगैरह के लिए जा रही है स्टेडियम में? हाँ, रनिंग के लिए। किसी की घटना है कि क्या घटना क्रम ये दौड़ने गई बीच लड़की ने मारने के लिए गयो, जरा छोटी बिना पकड़ के पकड़े हो जरा बिके और चौक यो नुकली चीज ही बा मार दी बिके। मकसद बडोड़ी जगी बच्ची भी मारना? हाँ, थोड़ी देर चपेट में आ गया। हाँ, की हथियार हो? अब हथियार तो वो एक लंबो सो सरियो सो वो मारे। तो बोला पहले को बता दूं योगो पहले से प्लान करके क्या आया? हाँ, प्लान करके आया, नहीं तो भी खड़ी चोट है हथियार कठवाओ। हम की दिड़ी 7-8 दिन पहले बोले नहीं नॉर्मली आप बात करा तो आप उसका कोई बात बात में भी कोई है कोई गुस्सा आदमी हो जाए, लेकिन अगर हथियार पहले से भी है कि कोई नुकीली चीज तो पहले से सोच समझ के आया? तो सोच समझ के आया। कितनी की चोट लगी? चोट ज्यादा लगी, लात भी मारी है, अभी का धक्को भी मारे है। नुकीली जो हथियार से बता रहे हो अभी की चोट कट लगी? अभी के इसका छाती का कोल में भी का अलावा एक लात मारी, धक्को मारे है। अच्छा, तो की बच्ची का तो कौन लगेगी ना भी का कौन लगी? अच्छा, भी के बाद में अभी अभी पुलिस आएगी ताकि क्या करना? पुलिस आई, पुलिस कार्रवाई करा, कार्रवाई कर रही कौन की 5 महीने में तलाक और ये लगाया। अभी के बाद में कोई सामान सुमून की भी कोई ना कोई सुनवाई हुई, एस पी कन भी जाया कि अब रोका पर जाया, पुलिस को सुनाई कि नहीं। ठीक है, पिताजी होगी? हाँ, पिताजी है। कब पेश होया? होगा तो सही दिन। उनको कह करो मैं ये बोले हाई कोर्ट में जो केस लगा रखा है ना उनको मान लो जो रिजल्ट आने के बाद में कोई सुनाई होगी, पहले कोई सुनाई को नहीं होगा। पहले से अंदाजा होगी कि भैया को कुछ कर सके? हाँ, पहले धमकी देते साहब, धमकी बार बार टापरान भी देते, माने भी देते कदे यहाँ कहते हो कि तेरे लड़के ने अपहरण कराती हूँ, तेरे लड़कियाँ ने मान लो ये हिसाब हो। कद करी बच्चे की शादी? कौन सा गाँव में करी बच्चे की शादी? कोलिंडा गाँव का तो निवासी और जयपुर में रहे, जयपुर ही गई बच्ची दोनों शादी करके। कद की बात है यार? 4 साल पहले की। तो अब ही मतलब आपस में मन मुटाव चालू है फिर? कद से चल रहे? शादी से चल रहे। शादी के पहले दिन दहेज मांगियो, जो के बाद में यही कहानी चल रही है। बच्चे से बोया कोई मतलब ही कौन रख रहे हो कि अपनी वाइफ है क्या? कोई मतलब कौन रख रहे हो? न कोई खर्चो दे रहे हो, न कोई मतलब रखा है, न भी घर के बारे में। पहले क्या बोला? शादी से पहले दहेज मांगियो, बोले कि मन गाड़ी चाहिए, फोन करियो मारकन। जब मैं बोला जी मारकन तो गाड़ी को नहीं, मैं तो बात पहले दिन खरीदी कि मारकन तो केवल लड़की जनाया, बोलो कि मैं तो मजाक समझी बात में, मन तो गाड़ी देनी पड़ेगी, जहाँ मुझसे शादी छोड़ दे बुलाई मारकन गाड़ी को नहीं। जहाँ बोले 5 लाख रुपया कचोड़ दे दो। फिर मैं बोला कि 5 लाख रुपया भी कोई गाल बेल काटी मन, यहाँ बोलो कि देखी तेरी बेटी में क्या करके छोड़ूंगा। बाद में मैंने का काक ससुर नान ससुर ने बनना फोन करके भैया बात बताई, भाई मान रात ने 1 बजे वापस फोन करियो कि मैं मारा लड़कन समझा दियो, टाबर बुद्धि है कोई कह भाई काम आ जी, दोबारा इनकी कोई बात को नहीं आओगी। आया भाई मान बुरा चपला ली, फिर दूसरे दिन बच्चे की शादी कर दी। शादी हुई जिससे यही बात चल रही, बच्चे से कोई मतलब फोन रख रही हो मारूँ बात कौन करने दे फोन पर भी। आया कह अगर तेरे माँ बाप और रिश्तों तोड़ेंगे ना तो ही घर में खुश रहेंगे, नहीं तो घर में खुश कौन रहेगा। शादी से पहले भी था अंदाजो हो कि शायद है कि कुछ चीज़ हो सकता है, टाइम अगर आप नहीं करता रिश्तों तो आज ये दिन देखना पड़ता क्या? जी शादी से पहले दिन ही हुई है वार्ता, जिससे पहले मान कोई नॉलेज को नहीं। फिर आदमी समाज को डर हो जाएगी, शादी मंडी की कार्ड बांट दिया, सारा चीज होगा, सब कुछ होगा।
बाद में यहाँ का बड़ा बुजुर्ग है ना काक सुसरो नान सुसरो रंग सुसरो बस तीनों मानिया बोले कि आज के बाद मैं इनकी कोई बात को नहीं आगी। फिर मैं 1,21,000 रुपया कचोड़ दिया। तीन तीन टूम तो दोनों जुआया का गली चैन अंगूठी और घड़ी और नान सुसरे के सोने की अंगूठी सुसरे के सोने की अंगूठी और इनकी सासू को 5 टूम गली। तो सब ठीक रही होगी? नहीं नहीं कुछ ठीक कौन रही हो, शादी से ये चल रही है। शादी के 15 दिन बाद मैं सासू को फोन पर फोन करो, 3 बार फोन करो, मेरा फोन कौन उठाए। फिर बड़ी वाली बच्ची मेरे पास थी, तुरंत बड़ी वाली बच्ची ने फोन करके यहाँ बोली कि तेरी मम्मी ने बोल दे कि मेरे फोन पर फोन क्यों कर रही है, मेरे बाप को साथ में कोई रिश्ता कौन, मैं बान त्याग चुकी, मेरे फोन पर फोन नहीं करेगी। जिसके बाद में मैं कोई फोन कौन करो। बाद में मेरी बड़ी वाली बच्ची ने 1 साल हुई ना 7 दिन जब घर से निकाल दी, जब वह कोई किराए का रूम में रह रही। दूसरे दिन बार हो कि मेरे को फोन करो कि मम्मी मेरे साथ में ये हो रही है, जना मैं फोन करो आकर रिश्तेदार कन कि जी हमारी लड़की ने एक रूम दिवा दो और न्यारी कर दो, आपको कमा के खाली सी कोई बात नहीं, कोई प्राइवेट धंधो कर ले। जनायण का नान सुसरो काक सुसरो और एक फुफेर सुसरो तीनों जयपुर गया ये बात नहीं कहने के लिए कि भैया लड़कियां सा गया मत करो आना अलग कर दो। जना फिर भी जब एक सासू को गाली गलोच कर साथ में बापू कोई खड़ो कर माने। फिर लड़की का 1 साल बाद में लड़को हो जो पापा और चाचू गया कपड़ा लेके जड़वा पर, तो एक पापा की बुढ़ोड़ो जुआई गेट के अंदर ही आके गलपटी पकड़ ली, बड़े थापा मुक्के कर ली, बोले कि मेरे घर कौन बड़न दी तू कहे आयो। फिर को सुसरो खावा सुनी करके थोड़ी घनी देर रुकिया चाह पानी पियो वापिस आवा। फिर मैं वापिस आके यहाँ बोले कि मैं मुकदमो करांगा। जना जुआ का रिश्तेदारा मन दबा दिया कि जी मैं समझा दे एक बार थे मानो समझ जा गोटा पर बुद्धि है ऐ करके मैं 4 साल निकाल चुका। अब मारी बच्ची गुट गुट की रह रही है, नहीं तो भी घर के बारे निकलन दी, नहीं मारू फोन पर बात करन दी, नहीं ये बच्चियों करन दी। और बेटी ने और भी जुआइन छोटकी नान घर से बारह काट दिया। अब एक बारे में बोल जाती भी मारपीट करता तो छुटा देती, जब आम दोनों घर का बारह काट दिया। आज जो घटनाक्रम हुई से पहले भी कराए की कोई कोशिश करी की बिना कोई घर आने की या फिर मारपीट करने की? हाँ कोशिश कर रही है, एक महीने पहले हमारे घर गुंडा लेके रात ने कैंपर पर की, रात ने हमारे गेट के गाड़ी भी उड़ाई है और वह गुंडा सारा हा हू बोले, एक साथ में बियर की बोतल फोड़ी हमारे गेट का। फिर मैं दंदूरी थाना में फराई दर्ज करवाई, मन थाना बोला कि शाम को 5 बजे आ जाए, शाम को 5 बजे गया जा मान बोला कि कोई फराई दर्ज को नहीं हुआ, कोई मारपीट को नहीं हुई, कोई गेट गया तो हमारी कोई सुनवाई कौन करी। कद की बात है बता रहे तो क्या ग्रहण आएगी? ये ग्रहण आयो हमारे यो मुकदमो करिए ना मैं महिला थाना में, ये ऊपर ही हमारे ग्रहण आया। बाद में फराई दर्ज करवाई दूसरे दिन, हमारी फराई दर्ज को नहीं हुई, बाद में महिला थाना मुकदमो करिए, लेकिन महिला थाना वाला भी हमारी कोई सुनवाई कौन कर रहा। आज 5 मनावा मान मुकदमो करिए, मेरी बच्ची को सामान नहीं आया अभी तक। स्टेडियम में भी बच्ची तैयारी कर रही है तो बठे भी आने को प्रयास कर रहे हैं? बठे एक महीने से लगातार आ रही है, कोचिंग का आगे घूम रही है एक महीने से लगातार। सर कोचिंग मेरी बड़ी वाली सिस्टर जाती है। अच्छा। तो उसने देखा है, मेरे भाई जाता है उसने भी देखा है। अच्छा। तो वो एक दिन उसने छुट्टी ले ली थी, तब वो उसकी फ्रेंड का कॉल आया था, वो जानती है उनको कि तेरा हस्बैंड है ना चप्पू लेके बाहर फिर रहे कोचिंगों के बाहर, लड़के भी बातें कर रहे हैं उनसे, पूछ रहा है कि मोनिका आती है क्या, वो मेरी वाइफ है ऐसे वैसे। तो वो धमकी देता फिरता ही रहता है कभी घर के बाहर। स्टेडियम में भी मम्मी मिला था 5-10 दिन पहले, तब मेरे को बोला कि तुझे देख लूँगा, मैंने बोला ठीक है। फिर कल परसों मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको बोला कि तेरी वाइफ के साथ ये कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर कल वो आया तब थाने से, थाने ये सब चीज़ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो सिस्टम मेरे पास रह रही है ना, इसलिए कि तुम क्यों रख रहे हो उसको। फिर कल कितने बजे की घटना, क्या घटनाक्रम हुआ? कल ये 5:30-5:30 बजे की है, वो उससे बातें करने आया कि वो उसको धमका रहा था कि केस वगैरह उठा ले ये कर ले। तो फिर उसने मेरे को बुला लिया मोनिका ने, तो मैंने बोला नहीं उठाएंगे, तो इतने में उसने बोला चुप हो जा वरना थप्पड़ मार दूंगा ये कर दूंगा वो। तो फिर वो आता भाई पे उतर गया, उसने ये निकाल के सीधा बोक दिया। क्या थे वो? सुआ टाइप में कुछ था, लोहे का बर्फ फोड़ते हैं जिससे सुआ ऐसा कुछ। कितनी के चोट आई था? 2 बार उसने वो डाला। पुलिस बैन वगैरह लेके गए हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन तो हुआ नहीं है, पिछले 4 महीनों से हम चक्कर काट रहे हैं। कोतवाली थाने में 2 बार रिपोर्ट दे दी, एसपी के पास भी पेश हो गई कि सर कोई तो कार्रवाई करो, क्योंकि ये खुलेआम धमके देता फिर रहे तो कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही, कभी बच्चे के स्कूल जा रहा है ये। तो अभी तक तो उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी बार हमने चक्कर लगाए हैं ये बोल के कि आज वो घर पे आ रहा है, घर पे आया पिछली बार
कोचिंग में गया चाकू लेके, तब भी हमने कॉल किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है, कोई की नहीं जा रही सुनवाई, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। सोन जयंती स्टेडियम के पास में एक लड़की घूमने जा रही थी, जिस पर उसके जो बड़ी बहन है उसके पति ने सुबह से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। उसको लेके आए हैं और जो आरोपी है उसको हमने डिटेन कर लिया है, उसका भी इलाज करवाया जा रहा है। हाँ, दोनों के जो परिवार न्यायालय है, अपने महिला थाना न्यायालय है, उसके अंदर इनके मुकदमे दर्ज हैं और उसमें तो वीडियो देखने बात करके लागे के हिसाब से है। बाकी आगे की जगह कार्रवाई में पुलिस की है भी, और भी की जांच होगी तो पता लगे की गलती है। और दूसरा अगर पक्ष भी आपकी बात रखना चाहो तो वो रख सका है, लेकिन एक अंदर जी एक बात समझ में आ जाएगी, जब माँ बाप ने पता लग गया है शादी से पहले ही कि अपने जो बच्ची को या फिर अपना जो बच्चों है शादीशुदा जीवन जो वो सही कौन बीता आसान जो लड़को वो सही कौन है, तो बिन जगह पे डिसीजन लेते टाइम कितना सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अर्जी की राय है, माने कमेंट में जरूर से बताओगा। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।